हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्वल पाठक और आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली दो फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, इवैल फंक्शन एंड दूसरा फंक्शन हमारा इज इंस्टेंस फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवैल फंक्शन के बारे में। इवैल फंक्शन क्या करता है? बेसिकली सपोज कि आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन जनरली स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है एंड देन आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इवैल फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स इसका होता है काफ़ी सिंपल है, इवैल ओके एंड देन ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है वो एंटर करना होता है। ओके, तो चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं क्या है। सपोज कीजिए, सिंपली अगर आप सपोज ये प्रिंट करते हैं 2 + 2। अब देखिए, अगर मैं सिंपली इस स्ट्रिंग को प्रिंट करूँ तो ये 2 + 2 प्रिंट कर देगा। ओके, एंड ये हमारा इवेल्यूएशन नहीं हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं मिली। बट सपोज़ ये आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिलता है बट मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी 2 + 2 = 4 करना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर हम इस पर इवेल फंक्शन लगा दें यहाँ पर। ओके, एंड अब इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये स्ट्रिंग में जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, 2 + 2 = 4 मिल गया। ओके, तो इस तरीके से हम इवेल फंक्शन का यूज़ करते हैं। सिमिलरली सपोज़ कीजिए x = 5 है एंड मैं क्या करता हूँ, प्रिंट इवेलुएट। ओके, इवेल मतलब इवेलुएट। ओके, मैं एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप पास करेंगे इसमें आप स्ट्रिंग पास करेंगे। ओके, तो मैं क्या लिखता हूँ, x + 5। ओके, x + 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए, x हमारा एक वेरिएबल है, 5 हमारी एक इंटीजर है। ओके, एंड देन मैं चाहता हूँ x में 5 एड हो जाए, बट यहाँ पर देखिए ध्यान से हमने एक स्ट्रिंग यूज़ किया है। ओके, एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो मुझे देखिए वैल्यू मिल जाएगी 10। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इवेल फंक्शन की मदद से। कुछ और यहाँ पर समझाता हूँ आपको। सपोज़ ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है x = print 5। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक स्ट्रिंग है बट मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन इसके अंदर यूज़ किया है। अगर मैं सिंपली यहाँ टाइप करूँ इवेल एक्स तो आप देखेंगे मेरे पास स्क्रीन पे 5 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कोई फंक्शन भी हम इवेल्यूएट कर सकते हैं इवेल फंक्शन की मदद से। यहाँ पर देखिए मैंने प्रिंट फंक्शन को इवेल्यूएट किया है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली सपोज़ कि ये आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई नाउ सपोज़ ये एक्सप्रेशन है exp नाम का वेरिएबल बनाते हैं। ओके, आपके पास कोई एक्सप्रेशन है x² + सपोज ये 5 × x + 10 एंड देन आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं जब x की वैल्यू हो 3। ओके, x की वैल्यू 3 पे आप इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट इवेलुएट एंड अगर हम एक्सप्रेशन अपना पास कर दें तो आप देखेंगे देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करने से पहले ध्यान रखिए आप x की वैल्यू जरूर डिफाइन कर दिए। यहाँ देखिए मैंने x की वैल्यू डिफाइन की है, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 3 हर जगह पुट हुई एंड देन मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। ओके, तो इस तरीके से हम इवेल फंक्शन से एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप चाहें तो इनपुट भी ले सकते हैं, आकर यहाँ कर सकते हैं इनपुट एंटर एक्सप्रेशन। ओके, एंड इसके क्या कर सकते हैं हम, इंट इनपुट एंटर सॉरी एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो सबसे पहले मुझे एक एक्सप्रेशन देना होगा कोई वैलिड। सपोज ये एक वैलिड एक्सप्रेशन हम क्या दे देते हैं, x × x + 2 ब्रैकेट में कर देते हैं x + 2। ओके, एंड देन क्या करते हैं, सपोज कि ये x + 3 भी कर देते हैं। ओके, x + 3। ओके, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है एंड मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ एंड x की वैल्यू मुझे क्या देनी है, सपोज ये 5 की वैल्यू रख के मैं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए 280। ओके, तो इस तरीके से आप इवेलुएट फंक्शन की मदद से आप कोई भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको होप्स आपको ये इवेलुएट फंक्शन समझ आया होगा। एक चीज़ और, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग इसे यूज़ नहीं करते, इसे कुछ सिक्योरिटी रीजंस है। सपोज़ कि आप कोई एक्सप्रेशन इवेल्यूएट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इनपुट के ऊपर एंड आपने सपोज़ ये OS मॉड्यूल का यूज़ किया है तो अगर यूजर चाहे यानी जो एंड यूजर है अगर वो कोई ऐसा कमांड डाल देता है जो हार्मफुल हो सकते हैं आपकी फाइल्स के लिए। सपोज़ ये मैं ये प्रोग्राम रन कर रहा हूँ एंड देन अगर मैं
यहाँ पर डिलीट करने की कमांड डाल दूँ तो इवेलुएट फंक्शन उस एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर देगा। ओके तो इसकी वजह से क्या होगा कि मेरे कई सारे फाइल डिलीट हो जाएंगे। ओके तो इसके कई सारे सिक्योरिटी रीजन से इसलिए इसको इवेलुएट नहीं यूज़ नहीं किया जाता इवेल फंक्शन को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि सिर्फ एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आप इसका यूज़ करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए। ओके तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अगला हमारा जो फंक्शन है इज इंस्टेंस फंक्शन। ओके इसके बारे में देखते हैं। इज इंस्टेंस फंक्शन सबसे पहले तो अगर आपको याद होगा हम शुरू में टाइप फंक्शन पढ़े थे। टाइप फंक्शन बेसिकली क्या बताता है, हमें कोई भी वैल्यू किस टाइप की है ये बताता है। ओके फाइव अगर मैं पास करूँ तो ये देखिए इंट क्लास की आएगी। ओके इज इंस्टेंस फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं कोई वैल्यू इस क्लास की है या नहीं। ओके देखिए टाइप फंक्शन क्या, अगर मैं यहाँ वैल्यू पास करूँ तो मुझे इसकी क्लास मिल जाएगी। सिमिलरली इसका जस्ट ही थोड़ा सा इसका अपोजिट कह सकते हैं आप। इस इंस्टेंस में हम चेक कर सकते हैं कि फाइव इंट क्लास का है या नहीं, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। ओके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्टेंस फंक्शन होता क्या। तो इंस्टेंस फंक्शन चेक्स इफ द ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ द गिवन क्लास। ओके इसका सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है इज इंस्टेंस, देन आपको ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट मतलब सिंपली वैल्यू पास करनी है जिसको आप चेक करना चाहते हैं, एंड देन क्लास का नाम जिस क्लास में आप चेक करना चाहते हैं एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके एंड वन मोर थिंग, इज इंस्टेंस जो होता है ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ऑब्जेक्ट इस क्लास का होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज ये मैं टाइप करता हूँ प्रिंट इज इंस्टेंस फंक्शन को मैंने किया। ओके एंड मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज ये मुझे चेक करना है फाइव इंटीजर है या नहीं। ओके एंड अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ देखिए ट्रू कर रहा है। ओके तो इसका मतलब फाइव एक इंटीजर वैल्यू है। सिमिलरली अगर मुझे करना है 6.5 बिलोंग्स टू इंटीजर क्लास और नॉट, तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि 6.5 जो है वो फ्लोट क्लास से बिलोंग करता है। तो अगर मैं फ्लोट करूँ तो आप देखेंगे अब ये ट्रू आएगा। ओके तो देखिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है। सिमिलरली अगर आपको चेक करना है हेलो स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है या नहीं, ध्यान रखिए आप सेकेंड वाले में कोट्स नहीं लगाएंगे। ओके str तो ट्रू आ रहा है। ओके सिमिलरली अगर आपको चेक करना है ट्रू बिलोंग्स टू str कॉल्स क्लास, तो फॉल्स। ओके क्यों, क्योंकि ये बूल क्लास से बिलोंग करता है। ओके तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कोई वैल्यू इस क्लास से बिलोंग करती है या नहीं है। ओके ये तो बात हो गई सिर्फ एक क्लास की। ओके अगर आपके पास सपोज ये मल्टीपल क्लासे हैं तो आप उन्हें कॉमा सेपरेट करके कर सकते हैं, यानी एक ट्यूपल पास करके। सपोज कीजिए आप चेक करना चाहते हैं बूल में चेक करना चाहते हैं, str में चेक करना चाहते हैं, इंट में चेक करना चाहते हैं, फ्लोट में चेक करना चाहते हैं। ओके तो अगर मैं इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को तो ये देखिए अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग द कोड वाइल पार्सिंग। ओके तो इसमें देखते हैं क्या दिक्कत है। बूल str इंट फ्लोट लाइन किस पे है इवेलुएट इन इंस्टेंस। ओके तो आई थिंक यहाँ पे एक पैरेंथेसिस मैंने कम लगाया, सॉरी। ओके ट्रू आ रहा है। ओके सिमिलरली अगर आप हेलो चेक करेंगे तो ये भी ट्रू आएगा क्योंकि हमने यहाँ ट्यूपल में यहाँ देखिए str क्लास भी पास की है, तो ये ट्रू आ रहा है। ओके तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कोई वैल्यू किस क्लास से बिलोंग करती है या नहीं। अब इसका मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ कहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं। ओके एंड देन इसको भी हटा देते हैं, चलिए रहने दीजिए। सपोज ये आप आपके पास कोई एक वैल्यू है एक्स इक्वल टू फाइव, एंड आप चाहते हैं कि इसको फाइव से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, बट तभी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जब एक्स में वैल्यू या तो इंटीजर हो या फ्लोट हो। ओके तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान रखिए एक्स में अगर वैल्यू कोई स्ट्रिंग है, बूलियन वैल्यू है या लिस्ट है ट्यूपल है, तो आप उसे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, सिर्फ करना चाहते हैं जब एक्स में वैल्यू इंटीजर या फ्लोट हो। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इफ इज इंस्टेंस एक्स ओके इंट कमा फ्लोट। अभी हम लोग देखे थे कि ऊपर देख कर आए हैं कि मल्टीपल क्लासेस कैसे हम दिखा सकते हैं, तो ट्यूपल के अंदर मुझे इंट कमा फ्लोट पास करनी है। ओके मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली चेक कर रहा हूँ इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर क्लास और फ्लोट क्लास। ओके तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एक्स इंटू फाइव एल्स प्रिंट इनवैलिड वैल्यू। इनवैलिड वैल्यू आप कुछ भी पास प्रिंट कर सकते हैं, मैंने सिंपली इन वैल्यू वैल्यू पास कर दी। ओके तो एक्स की वैल्यू देखिए फाइव है, तो एक्स जो है हमारी इंटीजर क्लास से बिलोंग करती है इसलिए फाइव से मल्टीप्लाई हो गया। ओके एंड हमें 25 मिला। सिमिलरली अगर 5.2 होता तो मुझे अगेन रियल मिल जाता 26.0। बट सपोज ये अगर मैं यहाँ हेलो पास करूँ, हम जानते हैं कि हेलो को भी हम स्ट्रिंग है, इसको अगर हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइव बार रिपीट होगा। बट यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगा रखी है कि अगर ये
इंटीजर या फ्लोट से होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए इनवैलिड वैल्यू सिंपली प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कोई वैल्यू जब किसी क्लास से बिलोंग करे तभी हम उसके साथ ऑपरेट करना चाहते हैं, तो हम इज इंस्टेंस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, तो होप्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन जरूर पूछें। अगर आप इस चैनल नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।